हेलो स्ट्रेस क्लास 11 के लिए हम लोग सेट थ्योरी कर रहे हैं। सेट थ्योरी में 1.3 एक्सरसाइज पहले कर चुका था, आज 1.4 एक्सरसाइज लिखा हूं। इसका मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं एनसीईआरटी बुक का सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूं, तब तो ये सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन वो नहीं, किताब एक बहाना है, एनसीईआरटी एक बहाना है, इसके थ्रू से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये 1.4 के पहले क्वेश्चन में बुक में यूनियन इंटरसेक्शन ये सब सिखाना था, तो वह मैं किताब को भी एक्सरसाइज का भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, अपना बात भी रख रहा हूँ, बाकी एक्स्ट्रा जो पढ़ाना है वो भी पढ़ाऊँगा। सबसे पहले बात यूनियन का, फाइंड द यूनियन समझाना है हमको, साथ में एक्सरसाइज भी करना है। यूनियन और ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, पहले यूनियन समझा दूँ। ए मान लीजिए 1, 2, 3 है और बी इक्वल टू 3, 4, 5, 6 है, तो कुछ कुछ बात क्या, देखिए ए यूनियन बी, मतलब डेफिनेशन वगैरह नेक्स्ट क्लास पे लिखूंगा, पहले प्रैक्टिस करा लूँ। ए यूनियन बी मैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, मैंने दोनों लिख दीजिए भाई। यूनियन, यूनियन बोलता है ना स्टूडेंट्स यूनियन, लेबर यूनियन, यूनियन मैंने सब एक साथ, यूनियन सभी एक साथ, तो ए यूनियन बी, ए का मेंबर और बी का मेंबर एक साथ, तो ए यूनियन, इससे याद रखिएगा। यूनियन किसे कहते हैं, जैसे लेबर यूनियन होता है, स्टूडेंट्स यूनियन होता है, वगैरह वगैरह यूनियन होता है, तो सेट का यूनियन मैंने सब मिल जाओ, सब मिल जाओ का लिखने का तरीका। ए का आप लिख दीजिए 1, 2, 3, फिर बी का भी लिख दीजिए, बी का 3, एक चीज़ दो बार नहीं होना चाहिए, 3 हो चुका है, 4, 5, 6 हो गया, 4, 5, 6 ये यूनियन रहा बात। अब ए इंटरसेक्शन का बारे में भी बात, इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन के बाद में करूँगा, पहले इतना थोड़ा एक्सरसाइज भी आगे बढ़ लो। ए यूनियन माने, यूनियन माने बस आप कंबाइन कर दो, कंबाइन कर लो। यहीं से कहीं से भी शुरू करता हूँ, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, यहीं से शुरू करता हूँ। ए दिया है 1, 2, 3, बी दिया है 5, तो हमको करना है ए यूनियन बी कितना होगा, बोलिए। मैंने ए का सब मेंबर लीजिए, बी का सब मेंबर लीजिए, ए का मेंबर हमने लिया 1, 2, 3, बी का सब मेंबर, बी 5 है तो 5 लीजिए, गलत ये बात नहीं, 5 डिनोट करता है नल सेट, माने बी में कुछ है ही नहीं। तो ए एक डब्बा, एक डब्बा में 1, 2, 3 है, बी खाली डब्बा, दोनों मिलाएंगे तो फिर 1, 2, 3 ही रहेगा, ये ए यूनियन बी हो गया। टारगेट है मेरा आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट देना, साथ में इसी बहाने एक्सरसाइज भी कर लेना। एक्सरसाइज का सभी सम मैं नहीं करूँगा, इतना इजी है कि आप खुद करोगे जस्ट स्टार्ट करने के लिए। तो ये ए में 1, 2, 3 था, बी में 5 था, ए यूनियन बी अल्टीमेट 1, 2, 3 ही हुआ। इसे भी मिटा दे, उल्टा ही करता हूँ, 4 नंबर ले लेता हूँ। 4 एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर 1 से लेके 6 तक। अगर ये डायरेक्ट हम दूसरा तरीका भी बताऊँगा, फिलहाल ये इजी तरीका बता लूँ। एक को आप लिख लीजिए नेचुरल नंबर 1 से लेके 6 तक, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 6 का इक्वल है 1 से बड़ा है, ये लिख दिए। बी बी एक्स इज ए नेचुरल नंबर और 6 और 10 के बीच में, 6 से लेके मतलब 7, 8, 9, 10 भी नहीं, तो ए यूनियन बी आपका हो जाएगा। ए यूनियन बी माने कंबाइन करो, अभी सिर्फ यूनियन का बात कर रहा हूँ, जल्दीबाजी मत करना। यूनियन के बाद इंटरसेक्शन वगैरह एक एक करके मैं टॉपिक दिखाऊंगा, फिर सेट में डीपली जाऊंगा, अंदर तक जाऊंगा, ये तो ऊपर ऊपर टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। तो ए यूनियन बी, इसका यूनियन करिए ना, पहले 2 का लिख, ए का लिख देता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आंसर ऑलराइट 100% सही है, लेकिन शायद बुक चाहा है इस तरह से लिखने के लिए। ए यूनियन बी इक्वल टू लिखिए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या एक्स इज नेचुरल नंबर नंबर एंड, और इसी स्टाइल में लिखना हो तो एक्स लिखिए 1 से बड़ा और
10 से छोटा, जो कि आप यहां से देख के ही लिख सकते हैं, 1 से बड़ा और 10 से छोटा। ये आंसर, या अदरवाइज ये रोस्टर फॉर्म में लिख के आंसर, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के आंसर, तो सब मिला के यूनियन माने मिला के लिख दो। इसे भी मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर ये भी कर लेता हूं, नंबर 3 में x इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 नंबर में ये मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 50 ये सब है। बी सेट में x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5 लेस देन 6, यही तक खत्म। तो ए यूनियन बी में क्या के लिखेंगे, 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 9 12 15, इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या उपाय है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 और मल्टीपल ऑफ 3, और नहीं तो लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू n, x लेस देन 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3। इससे अच्छा आप इसी तरह से लिख दो यूनियन बी, ए यूनियन बी का। ये भी मिटा दूं, ए यूनियन बी, यूनियन मैंने आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, यूनियन ए बी का, ए यूनियन बी, यू से डिनोट करते हैं, ए में दिया है ए ई आई ओ यू, बी में ए बी सी, सब मिला दो ना, ए ई आई, आगे पीछे का कोई बात ही नहीं है, ऑर्डर का कोई बात ही नहीं है, ए लिख चुके हैं, बी सी बाकी हुआ, ये इसका आंसर। ऑल दैट नंबर 2 का, नंबर 3 का भी, नंबर 3 नहीं, 1 का आंसर, एक्स यूनियन वाई, यूनियन करना है, 1 लिखे, 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, सब आ जाना चाहिए। अगर आप लिखते हैं 1 3 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 बाकी था, 2 3, तो भी चलता है, ऑर्डर का बात यहाँ है ही नहीं। तो यूनियन बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, यूनियन के लिए कुछ बारे में सोचना नहीं है, मैं ये सब बात कर देता हूँ। वेन डायग्राम पढ़ाना है मुझे, इस एक्सरसाइज के बाद मैं वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा, वो इजी लगेगा आपको, पहले एक्सरसाइज करके आप प्रैक्टिस में तो ला दो। नंबर 2 में दिया है, लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी और बी इक्वल टू ए बी सी। क्वेश्चन, इज ए सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन, व्हाट इज ए यूनियन बी। क्वेश्चन में बहुत कुछ समझाने का कोशिश करता है, टेक्स्ट बुक बहुत इजी होता है इसलिए ले रहा हूँ, इजी में बहुत कुछ समझाया जाता है, आप क्वेश्चन ही आपको सिखा रहा है, क्वेश्चन में भी आंसर सिखा रहा है। बोला लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी और बी में ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए का एलिमेंट बी से आया है। हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे यस, ए सबसेट ऑफ बी है, ए का एलिमेंट सब बी से ही आया है, एंड ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी, ए का ए बी ए बी सी, अल्टीमेट ए बी सी होगा। मतलब ये मकसद नहीं था क्वेश्चन का देने का, मकसद था देखिए ए यूनियन बी करने से हमारा बी ही आया, दैट इज यहाँ समझाया है ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, फिर ए यूनियन बी इक्वल टू ए होगा इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, माने बड़ा वाला होगा। यहाँ वेन डायग्राम का बात करते हैं जब, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूं, ए बी, ये मान लीजिए सेट बी है, इसमें ए बी सी है, और ए सेट में तो कहने का मतलब बॉक्स बी में ही बॉक्स ए है, इस तरह से पिक्चर में गोल हो, रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी हो, ये पिक्टोरियल फिगर को, इस तरह के बात को वेन डायग्राम बोलते हैं, लेकिन वेन डायग्राम की बात अलग से करूंगा, पहले ये समझा लूँ कि यहाँ ए और बी का यूनियन निकालने दिया है। व्हाट इज ए यूनियन बी, हम लोग का आंसर होगा ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये आंसर होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, ये लिखना ठीक है, लेकिन मकसद था ए सबसेट होने से ए यूनियन बी बराबर बड़ा वाला बी होता है। ऑल राइट, यूनियन का पहले बात हो जाए, बुक के हिसाब से ही मैं चलूंगा, इसके बाद अपना काम करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड
बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी एक ही बात देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अरे भैया आंसर अभी तो किया, ए तो बी के अंदर में है, बी है ना, ए सबसेट ए अंदर में है, तो ये ए और बी पूरा मिलके तो बी ही होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, इसका आंसर सिंपली। ये सब आइडिया दिया क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर। क्वेश्चन नंबर फोर में इसको पहले कंप्लीट ही कर दूं, इसके बाद में एक्स्ट्रा बातें सब करूंगा। क्वेश्चन नंबर फोर ए इक्वल टू दिया, इफ ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर, बी इक्वल टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सी इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन एट, और डी भी दिया है, डी इक्वल टू सेवन एट नाइन टेन। तो फाइंड क्वेश्चन नंबर वन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और यूनियन बी कर दो ना, वन टू थ्री फोर, थ्री फोर फाइव सिक्स, ए यूनियन बी। इस तरह से आप सभी कर लोगे। मैं एक बार डायरेक्ट करता हूँ, वन के बाद डायरेक्ट आ जाता हूँ सेवन पे, बी यूनियन सी यूनियन डी। अगर आपको तीन यूनियन करने में दिक्कत लगे तो पहले आप बी यूनियन सी कर लो, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव सिक्स, ए बी यूनियन सी, फाइव आ गया सिक्स आ गया सेवन एट यूनियन। अब डी लिख दो यहाँ पे, डी सेवन एट नाइन टेन, इस तरह से आप लिख के कर सकते हो। इन दोनों का यूनियन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सेवन आ गया एट आ गया नाइन टेन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फोर का आप सभी कर लोगे। मैं बेकार बेकार ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, ये सब वगैरह निकालना है, ये आप खुद होमवर्क कर लेना, इसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। रहा क्वेश्चन अभी, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, फाइंड द इंटरसेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ वन एबव फाइव नंबर। इंटरसेक्शन पहले समझ लो भैया, सिक्स कर देता हूँ, ए इक्वल टू दिया है, फाइव छोड़ दिया फाइव, वन नंबर में इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना सिखा देता हूँ, आप खुद निकाल लेना, थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, बी इक्वल टू सेवन नाइन इलेवन थर्टीन, सी इक्वल टू इलेवन थर्टीन फिफ्टीन, और डी इक्वल टू फिफ्टीन सेवेंटीन। तो फाइंड यहाँ एक नंबर में ए इंटरसेक्शन बी, आप कभी कभी चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन इंटरसेक्शन सेवन नाइन इलेवन थर्टीन इक्वल टू, इंटरसेक्शन माने कॉमन, यूनियन माने सब मिला के, इंटरसेक्शन माने कॉमन, इंटरसेक्शन याद रखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू लाइन ये ऐसा कटता है तो इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माने कॉमन पॉइंट व्हिच लाई ऑन बोथ द लाइन। यहाँ फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स माने फाइंड ऑल द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड सेट, माने दोनों सेट में जो कॉमन है। सिंपल बात, कॉमन क्या क्या है, थ्री दोनों में है नहीं लिखूंगा, फाइव नहीं, सेवन हाँ है कॉमन लिखूंगा, नाइन दोनों में है कॉमन लिखूंगा, इलेवन हाँ हाँ इलेवन कॉमन लिखूंगा। ये रहा आंसर इंटरसेक्शन का बारे में। इंटरसेक्शन एकदम सिंपल सिंपल बात है, सब समझ लो। एक नंबर मान लो कर लिया, बी इंटरसेक्शन सी भी बोल देता हूँ,
बी इंटरसेक्शन सी, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, बी सी में देख लो, सेवन नहीं, नाइन कॉमन है नहीं, इलेवन हाँ है, इलेवन इलेवन थर्टीन हाँ थर्टीन है, इस तरह से ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरा कोई एक लेता हूँ, एट नंबर क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी आप ऐसा कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, या ए भी लिख ही दो ना, ए लिख दो, ए का वैल्यू है थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, ये लिख दिए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन कर दो, सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन, आगे पीछे का लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कौन बड़ा नंबर है, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद टू, ये सब नहीं, कॉमा कॉमा है तो एकदम प्रॉब्लम नहीं, बस लिखना है बी यूनियन डी, बी का और डी का लिख दिया, बी सेवन नाइन इलेवन, सेवन नाइन इलेवन थर्टीन, डी का फिफ्टीन सेवेंटीन, और एक चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए, ये हमने लिख दिया, ये यूनियन लिख दिया, अब इस दोनों में जो कॉमन है खोजो भाई, थ्री नहीं, फाइव भी नहीं, सेवन हाँ सेवन है कॉमन, सेवन नाइन नाइन भी कॉमन है, इलेवन इलेवन भी कॉमन है, तो इस तरह से ये आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये सब हल्का हल्का बात आप खुद ये सब कर लेना भाई, सिक्स नंबर में इंटरसेक्शन निकालने दिया है, सभी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, फाइंड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिसजॉइंट, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब आप क्वेश्चन पूछ लेना इसमें से। फिर भी सिक्स नंबर आगे देखता हूँ कौन सा करूँ, जो आप लोग से बन जाएगा उसे मैं बेकार में यहाँ प्रॉब्लम नहीं करता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। इंटरसेक्शन ये हो गया, सेवन नंबर में नेचुरल नंबर, फाइंड एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज ए प्राइम नेचुरल नंबर, ये सेवन नंबर में, इफ ए इक्वल टू सेवन नंबर ऐसा दिया है, एक्स सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर, ओके। बी सेट एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नंबर सी इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर, एक्स एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, डी इक्वल टू इज ए प्राइम नंबर, एक्स एक्स इज प्राइम नंबर, फाइंड करना है। तो पहले ना आप इतना दिमाग में सोच लो, एक्स इज ए नेचुरल नंबर मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसा सब इज एन इवन नेचुरल नंबर, समझ लेना, टू फोर सिक्स एट का बारे में बोल रहा है, इज ऑड नेचुरल नंबर, वन थ्री फाइव सेवन का बारे में बोल रहा है, और ये वाला इज ए प्राइम नंबर, टू थ्री फाइव सेवन नाइन नहीं इलेवन, उसके बाद तो आप जानते हैं थर्टीन, ये प्राइम नंबर सब है। क्वेश्चन दिया है फाइंड, ये बता दूँ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर वन में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में, ए में है नेचुरल नंबर, एक्स में है इवन नेचुरल नंबर, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है, देख लीजिए, टू कॉमन है, फोर कॉमन है, सिक्स कॉमन है, इस तरह से समझ के आप ये आंसर देना, एक्स एक्स इज इवन नेचुरल नंबर नंबर, नहीं तो आंसर बी देना डायरेक्ट, क्योंकि नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में कॉमन कौन सा होगा, इवन तो इवन है ही, नेचुरल नंबर में भी इवन है, तो अल्टीमेट इवन सेट वो वाला आपका कॉमन हुआ, आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो या ऐसा लिखने से टू फोर, या आप ऐसा अगर प्रॉब्लम लगे आप तो आप ऐसा लिख सकते हो टू फोर सिक्स एट, ऐसा तीन तरीका हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को सेट बिल्डर फॉर्म में देख के ही
नेचुरल नंबर, इवेंट नेचुरल नंबर, कॉमन क्या है इवेंट वाला, तो इवेंट वाला सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। दूसरा तरीका हुआ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कॉमन, ये बी लिख सकते हैं सिंपली बी, नहीं तो ये रोस्टर फॉर्म में कॉमा कॉमा देके। दो नंबर में ए इंटरसेक्शन सी, उसी तरह ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ तो सभी नेचुरल नंबर यहाँ ओड, तो नो डाउट 1357 होगा, 1357 लिखना, मैं ये भी लिख देता हूँ एक्स एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, नंबर ये लिखिए, नहीं तो सी ओड नेचुरल नंबर, ये सी आया ये लिखिए, नहीं तो 1357 लिखिए, कोई भी लिखिए, बात एक ही है आंसर। नंबर थ्री में A इंटरसेक्शन D इक्वल टू, A में तो सभी नेचुरल नंबर, D में सिर्फ प्राइम नंबर, अरे इसी के अंदर में तो सब प्राइम है, तो आप सीधा सीधी X X इज प्राइम लिख सकते हैं प्राइम नंबर, या इक्वल टू डायरेक्ट D लिख सकते हैं, या 2357 ये सब लिख सकते हैं इस तरह से। B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी भी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी देखिए, बी और सी में एक्स इज इवेन ओड, इवेन ओड, ये दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो फाई बी और सी में, बी और क्या था, बी और सी में इवेन और ओड में कॉमन फाई, नो प्रॉब्लम फाई होगा। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी में क्या था इवेन और डी में प्राइम, सिर्फ टू एक ऐसा नंबर है जो इवेन में भी है प्राइम में भी है, इस तरह से आप लिख लोगे तो आपको इजी दिखाई पड़ेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ टू है, ए फाइव हो गया। सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, ये सिक्स नंबर, सी और डी में ऑड नेचुरल नंबर प्राइम नंबर, ऑड नेचुरल नंबर प्राइम नंबर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स एक्स इज प्राइम नंबर, नंबर एक्स नॉट इक्वल टू टू, माने सी और डी में, सी में तो सभी ऑड होना चाहिए, डी में प्राइम होना चाहिए, यानी ऑड प्राइम सब लिखेंगे, या हम लोग यहाँ लिखेंगे यहाँ से 3, 5, 7, 11, तो ये ना कोई सिस्टम में नहीं है, इसीलिए लैंग्वेज में लिखना बेसी बेहतर है। एक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर, लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू टू इवेन नहीं, ऑड प्राइम नंबर, ऑड और प्राइम नंबर में हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज में था, तो लिख दिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। अब बचा सेट डिसजॉइंट के बारे में, चलिए इंटरसेक्शन आपने समझ लिया, इंटरसेक्शन यहाँ बी इंटरसेक्शन सी फाई आया है, जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तब बी और सी को डिसजॉइंट कहते हैं। डेफिनेशन लिख दूं क्या, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड डिसजॉइंट डेफिनेशन नहीं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, कुछ भी अगर इन दोनों में कॉमन नहीं हो तो, तब ये डिसजॉइंट सेट कहलाता है। मैं चाहता हूँ ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट ही कर दूं, आप होमवर्क करिएगा तो कंप्लीट होगा, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज सब इसके बाद देते रहूँगा, सिर्फ ये पूरा एक्सरसाइज तो मेरा हो जाए, जिससे कि सब टॉपिक टच हो जाए। टॉपिक मतलब जैसे यूनियन आपने समझा, इंटरसेक्शन आपने समझा, डिसजॉइंट का बारे में दिया है। क्वेश्चन नंबर एट में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट, क्वेश्चन नंबर एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर डिसजॉइंट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, चलिए डिसजॉइंट। एक नंबर में दिया है 1, 2, 3, 4, ये एक सेट एंड एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नंबर एंड 4x6, भैया आराम से इसको ऐसा देख लेना 1, 2, 3, 4 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर, 4 से बड़ा 4 रहेगा, 4, 5, 6, क्या ये डिसजॉइंट है, नहीं, यहाँ 4 कॉमन है, आर नॉट डिसजॉइंट।
अगर ऐसा भी करेंगे, मान लीजिए इसको ए लिखे, इसको बी लिखे, तो इसको आप ए लिखिएगा, इसको बी लिखिएगा, लिखिएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4 आया है, इम्प्लाय नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट होने के लिए इंटरसेक्शन में मिलना भी नहीं चाहिए। 8 का ही 2 नंबर में दिया है, पहला सेट ए ई आई ओ यू और दूसरा सेट सी डी सॉरी सी डी ई एफ, कहाँ ये दोनों भी, यहाँ ई कॉमन है, ई कॉमन है, नॉट डिसजॉइंट। बस आप डिसजॉइंट किससे बोलते हैं, अगर आप क्वेश्चन करोगे सर एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो कैसे लिखेंगे, अरे भाई तोड़े देगा, तुमको तो समझा रहा है, ये यूनियन किसे बोलते हैं, इंटरसेक्शन किसे बोलते हैं, डिसजॉइंट किसे बोलते हैं, बस ये प्रैक्टिस के लिए, आपके दिमाग में समझने के लिए। यहाँ तो जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ या एलजेब्रा ऑफ सेट करेंगे तब आपको ये सब का जरूरत पड़ेगा। अभी सिर्फ आपको जान लेना है डिसजॉइंट किसे कहते हैं। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो ई निकलेगा, अगर फाई निकलता तो डिसजॉइंट, फाई नहीं निकला है तो नॉट डिसजॉइंट, सिंपल बात। 8 नंबर क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चन भाई आप होमवर्क करना, मैं बेकार बेकार इधर में एक ही चीज़ को नहीं करूँगा, आप बोरिंग हो जाओगे। 8 नंबर, 9 नंबर में, 9 नंबर में बहुत बड़ा सब लिखा हुआ है, मैं एक ही ऐसा दिखा देता हूँ। ए नंबर में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी में दिया है 4, 8, 12, 16, 20। सी नंबर में, सी में और क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। डी इतना सारा दिया, 5, 10, 15, 20। बोला फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, एक नंबर ए माइनस बी। अब बात रहा, देखिए हम लोग बात किया, ए यूनियन का डेफिनेशन नहीं लिखा हूँ, सिर्फ अभी मैंने बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन का। अब रहा ए माइनस का, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये ए डिफरेंस बी। मैं खुद ही कभी बोलूँगा या ज़्यादातर मैं बोलूँगा ए माइनस बी, इसके लिए हंसना मत। इसे पढ़ते हैं ए डिफरेंस बी, या पढ़ने का तरीका अलग, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, हम लोग को समझने से मतलब है। ए डिफरेंस बी कहूँ या ए माइनस बी कहूँ, कन्फ्यूज मत होना। ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी का मतलब हुआ, ये ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से, ए माइनस बी का मतलब हुआ सेट ए से बी को आउट करो, सेट ए से बी को आउट करो। मैं इस तरह से समझाने के लिए कर रहा हूँ, सेट ए लिख दो पहले, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और इसमें से बी को माइनस करो। बी लिखना उखना नहीं है, बी का 4 है इधर, नहीं 8 है, नहीं 12 है, हाँ 12 माइनस करो, 16 नहीं है, 20 नहीं है, ये रहा ए माइनस बी। बात समझ रहे हैं, बात से पहले ए का पूरा लिख दो, उसमें से बी का हटा दो, ठीक। ए पूरा लिख दिए, ए 3, 6, 9, 12, 9, 12, 15, 18, 21, माइनस बी, बी हटाओ भाई, 4 हटाओ, अच्छा है ही नहीं, हटाएंगे क्या, 8 हटाओ है ही नहीं, 12 हटाओ, हटा दिए, 16 है ही नहीं, 20 है, ये रहा ए माइनस बी। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो फिर से दूसरा दिखाता हूँ, ए माइनस सी इक्वल टू, ए लिख दो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब बात बोलोगे ऐसा कि मेरा तो बोर्ड है, आप मिटा देते हो, आप कैसे मिटाओगे कॉपी में, नहीं नहीं समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, मिटा दो कॉपी में लिखते वक्त दिमाग से ही मिटा दो, ए का लिखो बी का मत, बताता हूँ। अगर ए माइनस सी, ए का मैंने लिख दिया, सी को आउट करो, 2 नहीं है, जरूरत नहीं, 4 कहाँ से आउट होगा, 6 आउट करो, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 आउट करो, 14 नहीं है, 16 नहीं है, अल्टीमेट हुआ 3, 9, 15, 18, 21, ये आंसर हुआ। तो ये तो मैंने आउट करो, आउट करो लिखो, तो इस तरह से लिखना भैया, ए का लिखना,
ए लिख रहे हैं थ्री, और वही लिखना जो सी में नहीं हो। सी में थ्री है क्या? नहीं, लिख दिया। सिक्स देखना, सिक्स है, नहीं लिखूंगा। नाइन, सी में नाइन नहीं है। ट्वेल्व, ट्वेल्व सी में है, हाँ है, नहीं लिखूंगा। फिफ्टीन नहीं है, चलिए। एटीन नहीं है। ट्वेंटी वन नहीं है। समझ गए बात? या फिर से रिपीट बोलता हूँ, आप जैसे समझो। आप एक बार समझ लोगे बात, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। ए माइनस डी, ए माइनस डी में ए पहले, फिर वही इस तरह से करता हूँ। थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन, हाँ डी नहीं लिखना है। डी का फाइव हटाइए, फाइव है ही नहीं। फाइव टेन है ही नहीं। फिफ्टीन नहीं होगा, हटाइए, और कुछ है ही नहीं। डी वाला और कुछ हटने के लिए है ही नहीं। थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी वन, इस तरह से ये डिफरेंस वाला सब काम करता है। ए डिफरेंस भी, और मोर क्लियरली इस तरह से मैं बता दूं, ये बड़ा बड़ा है, यह आप कर लीजिएगा। जिसको माइनस करना है उसका एलिमेंट हटा देना है। मान लीजिए ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर, और बी इक्वल टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ए माइनस बी इक्वल टू, ए का लिखना वन टू थ्री फोर, ए का ही लिखना, और बी का हटाना, क्या हटाना, थ्री हटा देना, फोर हटा देना, कहने का मतलब वन टू हुआ। और बी माइनस ए, तब बी का ही लिखना थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ए को भगाना, ए का वन भगाओ, अच्छा है ही नहीं, टू नहीं है, थ्री आउट फोर आउट, ये रहा आपका फाइव सिक्स सेवन। बात क्लियर हो रहा है? जी, ए माइनस बी में ए से बी को हटा दो, बी माइनस ए में से बी से ए को हटा दो, जो पहले है उसको लिखो, बाद वाला का कॉमन एलिमेंट को आउट कर दो। इसका थ्योरिटिकल प्रूफ सब वगैरह, प्रूफ या इंपॉर्टेंट फैक्ट सब वगैरह बताऊंगा, पहले ये आप इतना एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लो। ये कितना एक्सरसाइज बोला था मैंने, 1.6 जो भी, तो ये एक्सरसाइज था, इसको आप ये 1.4 एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज पहले आप कर लो, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 10 वही बात है, ए माइनस बी, ये सब वेदर इज ऑफ द फॉलोइंग इसमें ट्रू और फोर्स डिसजॉइंट से। 11 12 ये सब आप आराम से कर लोगे, कोई बात नहीं। 11 नंबर एक बात कर लेता हूँ, बोला है आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू फिर दिया है, क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। देन व्हाट इज आर माइनस क्यू इक्वल टू, क्या होगा, आर रियल नंबर से रेशनल को हटा दो, रियल से सब रेशनल हटा दो, सेट ऑफ इरेशनल रह जाएगा। सिंपल बात, रियल से क्यू हटा दो, रेशनल को हटा दो, तो इरेशनल बच जाएगा, हो गया बात इतना सब। बाकी नंबर टू नंबर ट्वेल्व नंबर ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप कर लोगे, इतना कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कॉम्प्लीमेंट से, और फिर डीपली हम लोग एग्जाम लेवल के तरफ जाएंगे। आप प्लीज़ कमेंट करना, कुछ भी कम्युनिकेट क्यों नहीं करते हो, एक दो स्टूडेंट किया कम्युनिकेट, मुझे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछा भी, मैंने उसको रिप्लाई भी दिया व्हाट्सएप पे, आप भी जुड़ो मेरे साथ जुड़ो, मैं वादा करता हूँ, वादा नहीं श्योर देता हूँ, मैं आपका फुल कोर्स कंप्लीट करूँगा अप टू द एग्जाम ले